बच्चों थर्मोडायनेमिक्स में जो टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन हैं उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करने के लिए दो लॉज बने हैं. वन इज टर्म्ड एज लैपलॉस एंड लेवोइसर लॉ एंड अदर इज टर्म्ड एज हेस लॉ. इसी पे हमारे न्यूमेरिकल. पहली हेडिंग लिखें बेटा. हेडिंग का नाम है लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री और पहला लॉ है लैपलॉस एंड लेवोइसर लॉ. फर्स्ट लॉ इज लैपलॉस एंड लेवोइसर. तो बेटा लैपलॉस एंड लेवोइसर ने क्या कहा था कि अगर कोई एक रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जो चल रही है सपोज वो एंडोथर्मिक है और वो 20 जूल ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर रही है. ओके एंडोथर्मिक है 20 जूल ऑफ हीट एब्जॉर्ब हो रही है. एंडो का मतलब एब्जॉर्ब. तो लैपलॉस लेवोइसर लॉ ये कहता है कि अगर यही रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगी तो 20 जूल ही हीट इवॉल्व होगी. खाली ये चीज ध्यान रखिएगा प्लस की जगह माइनस हो जाएगा एब्जॉर्ब की जगह इवॉल्व. तो बेसिकली क्या कहा जा रहा है लैपलॉस एंड लेवोइसर लॉ में कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन जो होंगे दैट मींस कोई रिएक्शन एक फॉरवर्ड डायरेक्शन चल रही है उसी के बैकवर्ड डायरेक्शन को अगर हम देखें तो एक डायरेक्शन एक्सोथर्मिक होगा एक एंडोथर्मिक. मतलब एक में हीट निकलेगी एक में हीट एब्जॉर्ब होगी लेकिन वैल्यू सेम रहेगी. अगर 20 जूल हीट निकली है तो 20 ही एब्जॉर्ब होगी. समझ में आ रहा. फिर से सोचिए क्या कह रहे हैं. सिंपल लैंग्वेज में ये कह रहे हैं कि जब भी रिएक्शन रिवर्स करते हैं तो उसका पाथ वही रहता है. पाथ वही रहता है कहने का मतलब जो हीट चेंजेस हैं वो उतनी ही होंगी सिर्फ और सिर्फ. खाली क्या चेंज हो जाएगा उनका टाइम. एक बारी वो चीज क्या होगी एंडोथर्मिक और एक बारी चीज क्या होगी एक्सोथर्मिक. तो उसी पाथ से जा रहा है इसलिए वही है. पॉइंट समझ में आ गया. तो व्हाट इज लैपलॉस एंड लेवोइसर लॉ कि इफ अ रिएक्शन इज रिवर्स अगर कोई रिएक्शन रिवर्स करेंगे देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच एंथैल्पी का जो मैग्नीट्यूड है वो वही रहेगा. ओनली ओनली इट्स नेचर या साइन इज रिवर्स और चेंज. उसका साइन बदल जाएगा. एक बारी एंडो है एक बारी एक्सो हो जाएगा. दिस वन इज द पॉइंट. बोलो बच्चों किसी बच्चे को डाउट. किसी बच्चे को डाउट लैपलॉस लेवोइसर लॉ में. वेरी गुड क्लियर है इसका मतलब. ठीक है वेरी नाइस. तो लैंग्वेज जिन्होंने लिख ली अच्छी बात है. जिन्होंने नहीं लिखी अब लिख लीजिए. इफ ए रिएक्शन इज रिवर्स then magnitude of delta H will remain same, only its sign will change. If a reaction is reversed, then magnitude of delta H, yani enthalpy, will remain same, only its sign changes. Only its sign changes. मतलब क्या है? If forward direction is endothermic, then backward will be एक्सोथर्मिक. वाइसी वर्सा कि अगर फॉरवर्ड एक्सो है तो बैकवर्ड एंडो है विद सेम मैग्नीट्यूड. मतलब क्या है कि फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन फॉलो सेम पाथ. मतलब क्या है एक ही पाथ है फॉरवर्ड और रिवर्स का. और एकदम लेमैन लैंग्वेज में अगर आ जाए कि जैसे सपोज मैं ये मार्कर खरीदने गया और मैंने इस मार्कर को खरीदने के लिए लेट सपोज 100 रुपए खर्च किए हैं तो 100 रुपीज मैंने उसे दिए मार्कर मैंने ले लिया. अब वो कह रहा है कि मुझे मार्कर वापस चाहिए वही दुकानदार. तो हमने प्रोसेस रिवर्स कर लिया. ये लो भैया तुम्हारा मार्कर ये लो हमारे नोट. तो जब हमने मार्कर खरीदा था पैसे दिए थे पैसे ले लिए मार्कर वापस कर दिया. मतलब फॉरवर्ड एंडो था या एक्सो था तो बैकवर्ड एंडो. दिस पर बेईमानी कोई नहीं की. ऐसा नहीं है कि मैंने मार्कर खरीदा 100 रुपए उसने कहा नहीं नहीं ये हमें बेचना नहीं है वापस करो. अब मैं उससे करूँ ना 1000 रुपए ला तब दूंगा. ये कहानी नहीं चलेगी बेमानी नहीं चलेगी. फॉरवर्ड और बैकवर्ड का डेल्टा एच क्या रहेगा सेम. खाली साइन चेंज हो जाएगा एक एंडोथर्मिक और एक एक्सोथर्मिक. इस लॉ का नाम दिया लैपलॉस लेवोइसर लॉ. बच्चों दूसरा लॉ है हेजेस लॉ. इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं मतलब इस लॉ की हेल्प से. बेसिकली हेजेस लॉ इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक्सप्लेनेशन है एक एग्जाम्पल है. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स याद होगा एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इट कैन ओनली कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. ओके
यहाँ पे हेजेस ने क्या कहा है, थोड़ा अपनी भाषा में इन्होंने ये कहा है कि अगर कोई भी रिएक्शन ए से बी जा रही है वो सिंगल स्टेप में चलेगी, बहुत अच्छी बात है, और हो सकता है वो सिंगल की जगह ए से सी, सी से डी, डी से ई, फिर बी में गई हो, मतलब ओवरऑल ए से बी में आई लेकिन मल्टी स्टेप होते हुए, बीच में कई स्टेप होने के बाद ए से बी आई। तो उसने कहा कोई फर्क नहीं, कोई रिएक्शन तुम एक स्टेप में करो या कई स्टेप में करो, द डेल्टा एच यानी एंथैल्पी विल बी सेम। तो एंथैल्पी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो बेसिकली अगर आपको समझ में आ जाए कि हेजेस लॉ में बेसिकली ये कहा है कि जो एंथैल्पी है वो एंथैल्पी चेंज हमारा स्टेट फंक्शन है, आया समझ, एंथैल्पी चेंज हमारा क्या है, स्टेट फंक्शन, हमें यहां से यहां पहुंचना है, और इस बात ये यहां से यहां आना किस पे डिपेंड नहीं कर रहा, वेरी गुड, ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, चाहे इस पाथ से आए चाहे इस पाथ से आए, वैल्यू सेम रहेगी। अगर कोई क्वांटिटी पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, खाली स्टेट पे डिपेंड करती है, वो स्टेट फंक्शन है। तो बेसिकली यहां कह रहे हैं एंथैल्पी इज ए स्टेट फंक्शन। तो पॉइंट क्या आया इसमें, आप पहले तीन पॉइंट ऐसे कह सकते हैं, एक तो इट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या इट इज एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एक पॉइंट। दूसरा इसमें कहा गया एंथैल्पी इज ए स्टेट फंक्शन। तो सेकंड पॉइंट आप कह सकते हैं कि ये कहना चाहता है एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है, स्टेट पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। और तीसरा जो इसका ट्रेडिशनल सेंटेंस चला आ रहा है वो ये है, रिएक्शन इज डन वेदर इन ए सिंगल स्टेप और मेनी स्टेप, एक ही रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यही होने चाहिए, इट इज डन इन ए सिंगल स्टेप और मेनी स्टेप, दैट ओवरऑल चेंज इन एंथैल्पी विल रिमेन सेम। इस स्टेप का जो एंथैल्पी चेंज आएगा और इस स्टेप का जो एंथैल्पी चेंज आएगा वो सेम आएगा। इज इट क्लियर, मतलब क्या है कहने का, एक बार फिर समझिए, किसी ने कार्बन लिया और हाफ ऑक्सीजन से रिएक्शन की, CO बनाया, CO की फिर से हाफ ऑक्सीजन से रिएक्शन की और CO2 बनाया, डन। और किसी दूसरे आदमी ने एक ही स्टेप में C प्लस O2 करके CO2 बना दिया, डन। अगर इस स्टेप की हीट सपोज करो ये निकल रही है या एब्जॉर्ब हो रही है वो X जूल है, और इस स्टेप की हीट माइनस वाई जूल है, ध्यान देना एक मैंने प्लस एक्स लिखा है एक माइनस वाई, तो गारंटेड इस स्टेप का जो आंसर आएगा गारंटेड प्लस एक्स माइनस वाई जूल आएगा। तो व्हाट इज द पॉइंट कि अगर दो रिएक्शन जुड़ रही हैं, मतलब इस लॉ ने हमें क्या लिबर्टी दी कहां से हम न्यूमेरिकल करेंगे, अगर दो रिएक्शन जुड़ रही हैं तो उनके डेल्टा एच को आप सिंपली जोड़ सकते हैं और इस रिएक्शन का डेल्टा एच इन दोनों के रिएक्शन के डेल्टा एच के सम के बराबर होगा। इज इट क्लियर। तो अगर इस चीज को मैं फिर से एक बारी पॉइंट्स बना के दिखाऊं आपको तो आपको शायद दिख जाएगा कि ये मैंने कार्बन लिया, कार्बन को हमने पहले कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज किया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज किया और ये एक ही स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। तो ऑब्वियसली इस स्टेप की और इस स्टेप की एंथैल्पी का सम इसके बराबर आएगा ही आएगा, क्यों, क्योंकि ये एक स्टेप में काम दिखाया है, ये वही काम दो स्टेप में। तो बस खाली इतना ध्यान रखना है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट सेम हो, ऐसा ना हो कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट बदल रहे हो, मतलब इन दोनों रिएक्शन को जोड़ के पूरे यही बनना चाहिए, यही रिएक्टेंट यही प्रोडक्ट दिखने चाहिए, तो इस रिएक्शन की एंथैल्पी इन दोनों के सम के इक्वल है। बोलो क्लियर है। तो ये वाला लॉ है हेजेस लॉ। अब पूछो, वही वही है, वही मैंने यहां लिखा है, सॉलिड लिक्विड गैस, ये हो गया फ्यूजन वेपोराइजेशन सब्लिमेशन, तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल टू वेपोराइजेशन प्लस फ्यूजन। इज इट क्लियर, किसी को डाउट है एंथैल्पी या हेजेस लॉ में, हेजेस लॉ बहुत आता है, बहुत पूछा जाता है, ये याद रखिएगा। तो तीन पॉइंट आपने लिखने हैं हेजेस लॉ में, पहला पॉइंट हेजेस लॉ में आपकी कॉपी में होना चाहिए, इट इज एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ही एक रूप है। दूसरा पॉइंट आपको लिखना चाहिए यहाँ पे कि डेल्टा एच इज ए स्टेट फंक्शन, ये एक स्टेट फंक्शन है, दैट इज पाथ इंडिपेंडेंट है। और तीसरा पॉइंट आपको यहाँ लिखना चाहिए कि हेजेस लॉ में कि रिएक्शन को एक स्टेप में करें या कई स्टेप में करें, डेल्टा एच की वैल्यू सेम आएगी, चेंज इन एंथैल्पी विल रिमेन सेम, वेदर द रिएक्शन इज डन इन अ सिंगल स्टेप और
मेनी से, ये तीन पॉइंट होने चाहिए। चौथा हो गया एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में ये C+O2CO2 ये बेस्ट है। Done. अब इसी के बेसिस पे हमें क्वेश्चन या न्यूमेरिकल कराने हैं। ओके डन, मिटा दूं। गुड, अब बेटा देखिए अब न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे, मैं उसके शॉर्टकट्स भी आपको बता दूंगा, लेकिन पहले पूरे पूरे न्यूमेरिकल फिर शॉर्टकट। देखिए बेटा ये क्वेश्चन है, सपोज सिंपल एकदम बेसिक क्वेश्चन है कि आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। ठीक है, ये कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। आपको गिवन क्या है बेटा, आपको गिवन है सपोज एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन कॉमा हाइड्रोजन एंड मीथेन, ये तीन गिवन है, -10 -30 -40 किलो जूल पर मोल रेस्पेक्टिवली, ये तीन चीजें आपको गिवन है। ध्यान से क्वेश्चन लिख लीजिए, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन गिवन है, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन कितनी कितनी गिवन है, सॉरी कार्बन हाइड्रोजन एंड मीथेन, हाइड्रोजन में H2 लिखिएगा, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन में मीथेन लिखिएगा, एंड सॉरी हाइड्रोजन में H2 लिखेंगे और मीथेन में CH4, ये तीन आपको गिवन है, -10 -30 और -40 रेस्पेक्टिवली, -10 -30 एंड -40 ये गिवन है। ठीक है बच्चों, आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है तो मैं आपको हेल्प करता हूं, अगले क्वेश्चन से आप कोशिश करिएगा खुद सॉल्व करने की। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए आपको बता रहा हूं। बच्चों यहां पे ना जो चीज फाइंड आउट करनी हो उसे हम कहते हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली हमें ये इक्वेशन फाइंड आउट करनी है बेटा, फॉर्मेशन 1 मोल कंपाउंड बनना है, अपने एलिमेंट से बनना है और नेटिव स्टेट से बनना है, ये हो गया 1 मोल मीथेन की इक्वेशन, ये आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, 1 मोल बनना चाहिए एलिमेंट, ये फाइंड आउट करना है इस इक्वेशन का डेल्टा एच। और इसके लिए गिवन क्या क्या है बच्चों, एम गिवन है हमें ये इक्वेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन C+O2CO2 गिवन है। ठीक है, कार्बन का कंबशन 1 मोल जलाएंगे CO2। एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन गिवन है, आपको अगर याद हो तो 1 ही मोल जलाना है कंबशन में, 1 से ज्यादा नहीं, तो यहाँ O2 ले लेंगे, इसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और तीसरी चीज क्या है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन। तो बच्चों ये इक्वेशन आपको खुद लिखनी पड़ेगी, मीथेन का कंबशन ये बने CO2 एंड वॉटर, एंड ऑब्वियसली ये बैलेंसिंग है, आई होप सो क्लियर है बैलेंसिंग। ठीक है, तो ये तीन इक्वेशन हमने लिख दी, अब वेरी गुड, अब बेटा इन तीनों की वैल्यूज का यूज करके इसका डेल्टा एक्स निकालना है। तो करना क्या है, आपको इन तीन इक्वेशन को कुछ ऐसे ऐड करना है प्लस माइनस मल्टीप्लाई की ये इक्वेशन बन जाए। तो एक कॉमन सेंस लगाना, अगर तुम्हें फाइनली ये इक्वेशन बनानी है तो तुम्हें कार्बन चाहिए होगा, तो इन तीन इक्वेशन में किसमें कार्बन मिल रहा है, फर्स्ट आपको लेफ्ट हैंड में चाहिए, लेफ्ट हैंड में ही मिल रहा है, 1 मोल चाहिए, 1 मोल मिल रहा है, तो फर्स्ट को तो डिस्टर्ब करना ही नहीं, कॉमन सेंस, तभी तो आखिरी में आंसर में आपको कार्बन यहां दिखेगा। फिर आपको हाइड्रोजन चाहिए, किस इक्वेशन में चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, सॉरी किस इक्वेशन में मिल रहा है, सेकंड में मिल रहा है, कितना चाहिए, 2 मोल्स चाहिए, है कितना, 1, यानी सेकंड इक्वेशन की जो भी वैल्यू होगी उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगी तो ये भी 2H2 हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन को ऐसे ही रहने देंगे, सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई। ध्यान से देखिएगा, थर्ड इक्वेशन में या ये कहें हमें मीथेन चाहिए, कहां चाहिए, प्रोडक्ट में, है कहां, रिएक्टेंट में, 1 मोल चाहिए, 1 मोल ही है, उल्टा कर देते, रिवर्स,
और उल्टा करने का मतलब डेल्टा एक्स का साइन खाली बदल जाता है। तो हम सिंपल भाषा में इसे मल्टीप्लाइड बाई माइनस वन भी कह सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज, ठीक है। और इसके बाद इन तीनों इक्वेशन को जोड़ के देखिए क्या बना। मैं आपको जैसे एक बार दिखा रहा हूं, इन तीनों इक्वेशन को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, जरा चेक करिए। इन तीनों को ऐड करें तो भाई ये कार्बन रहा तो कार्बन आ गया, ये दो हाइड्रोजन रहे तो 2H2 आ गए, डन। अब जरा चेक करना, O2 और ये O2 2 से मल्टीप्लाई करके 1, तो 2O2 और -2O2 हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो ये तो कैंसिल हो गया, आ रहा है समझ। अच्छा इधर बात करें क्या कैंसिल हो गया, तो ये CO2 कैंसिल, ये वाटर 2 से मल्टीप्लाई होकर कैंसिल, तो इधर तो कुछ बचा नहीं। लेकिन ये वाला मीथेन माइनस का है तो इधर लाके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का। यानी यही इक्वेशन बन गई ना जो बनाना चाह रहे थे। तो इसका मतलब डेल्टा एच के साथ यही सलूक करना है, पहले का डेल्टा एच ऐसे ही रखो -10, दूसरे के डेल्टा एच को 2 से मल्टीप्लाई कर लो -30 × 2, और तीसरे का डेल्टा एच -40 को +40 करके जोड़ दो, समझ में आया, +40 करके जोड़ो। तो ये है +40, ये 32 × 60 और 170, वेरी गुड, +40 − 70, तो जब इनका रिजल्टेंट निकालेंगे तो -30, तो इस इक्वेशन का डेल्टा एच का आंसर क्या आएगा, -30। फिर से देखिए हमने किया क्या, फर्स्ट इक्वेशन का डेल्टा एच ऐसे ही रखा, सेकेंड इक्वेशन के डेल्टा एच को 2 से मल्टीप्लाई किया, और थर्ड इक्वेशन के डेल्टा एच को माइनस किया या रिवर्स किया, ठीक है। यही तो था ये थर्ड इक्वेशन का डेल्टा एच। अब तीनों की वैल्यू पुट अप कर दो तो ये हमारे रिक्वायर्ड इक्वेशन का डेल्टा एच आ गया। बेटा ये मैंने ये गिवन था, क्या गिवन था, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, तो कंबशन ऑफ मीथेन की इक्वेशन हमने खुद लिखी। यहां माइनस साइन था ना, हाँ माइनस वाला उधर जाके प्लस हो गया, ये दोनों तो कट चुके हैं पहले ही, इधर तो कुछ बचा ही नहीं था इसलिए। और अब ये हमने -10 रखा, ये हमने -30 रखा, और ये हमने जो भी वैल्यू थी हमारी -40 थी वैल्यू शायद वो रखी। और ब्रैकेट जब ओपन करेंगे ये जरा ध्यान रखिएगा, हमने इसका रिवर्स किया तो बस एक ही बात साइन चेंज करना है, ठीक है। तो ये हमने रख दिया है -70 और ये ब्रैकेट ओपन करते +40 तो -30 आंसर, वॉट एवर द यूनिट वो रख दीजिए। किसी बच्चे को दिक्कत कैसे किया ये समझ में आया, बस इसमें तरीका क्या है, इसमें तरीका क्या है, हाँ बोलो सर। ये -1 वाला समझा दीजिए सर, नीचे थर्ड वाला, थर्ड इक्वेशन जो है ना -1 वाला। हमने थर्ड इक्वेशन में ये देखा कि ये हमें गिवन था, क्या गिवन था, मीथेन प्लस ऑक्सीजन CO2 प्लस वाटर। लेकिन हमने दिमाग लगाया कि हमें जो आंसर चाहिए, जो हमें हेजर्स लॉ लगा के आंसर चाहिए, उसमें मीथेन चाहिए हमें प्रोडक्ट में, यानी इस इक्वेशन को हमें रिवर्स करना पड़ेगा, तभी तो ये मीथेन उठ के वहां जाएगा, और हमें चाहिए 1 ही मोल है तो ट्वाइस भी नहीं करना। और रिएक्शन को रिवर्स करने को हम कह सकते हैं कि हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब ये माइनस यहाँ लिखा होगा, जैसे ये माइनस लिखा हो तो उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, ये माइनस लिखा हो तो उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, लेकिन वो माइनस की वजह से कैंसिल हो गया था, ये दोनों माइनस की वजह से कैंसिल हो गए थे, और ये माइनस इधर आके प्लस होके मीथेन बन गया। और ये सर हाफ O2 क्यों लिया है सर सेकंड वाली में? बेटा आपने कल का लेक्चर एक बार थोड़ा सा देखिएगा, कल या पहले का, मतलब हमने एक हेडिंग पढ़ाई है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। एंथैल्पी ऑफ कंबशन की डेफिनेशन क्या थी, 1 मोल कंपाउंड जलाएंगे और 1 मोल जलाते समय जो भी हीट निकलेगी दैट इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो इस क्वेश्चन में हमें एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन गिवन है, यानी हाइड्रोजन का 1 मोल जलाना है, तो 1 मोल जलाया वाटर बन गया, तो बैलेंस करके लिखा है, लेकिन ध्यान रखना है बैलेंसिंग में ये 1 मोल ही रहे। अब ये वाटर बना है, वाटर में ऑक्सीजन तो हाफ है, मतलब O2 तो नहीं है, O है, तो O2 का हाफ लिख दिया, तो हमें ऐसे बैलेंस करके शो करनी है कि इसका 1 मोल ही जल रहा हो, और इस वजह से यहाँ O2 हाफ आई। ये तीन इक्वेशन हमें खुद बना के लिखनी होंगी,
जो हम 2 या 3 दिन से पहले पढ़ रहे थे ना कि एंथैल्पी ऑफ कम्बशन क्या है, फॉर्मेशन क्या है, न्यूट्रलाइजेशन क्या है, वो ऐसे शॉर्ट में लिख देगा एंथैल्पी ऑफ कम्बशन। तो ये 3 इक्वेशन हमें खुद लिख देगा। हाँ बेटा, तो नहीं नहीं गिवन होगा तो निकालोगे कैसे? कुछ तो गिवन होगा तभी तो न्यूमेरिकल करेंगे। अब बेटा एक बार फिर से ध्यान से समझिए, समझाना क्या चाह रहे हैं बेटा, एग्जाम्पल से सोचिए। सपोज एक पेज आपको दिया हमने, ठीक है, कोई भी एक पेज सिंपल, ये एक पन्ना है, ये आपको दिया, ठीक है, हमें गुस्सा आ गई, हमने इस पन्ने को फाड़ दिया, ठीक है, और फाड़ के तुम्हारे मुंह पे मार दिया। अब तुमने क्या किया, तुम्हें पता है, लेट सपोज ये बैंक का चेक है जिसमें मेरे साइन है, और तुम्हें मालूम है ये पन्ना दोबारा जोड़ ले तो फायदा हो सकता है ना, साइन पता लग जाएंगे, चलो बाद में देखेंगे, बाकी फर्जी तुम्हारा दिमाग तुम्हारे पास बहुत है। तो तुमने क्या किया, तुम इस पन्ने के जो टुकड़े थे उसे जोड़ रहे हो और दोबारा से पेज बना रहे हो, समझ में आया? तो फटे हुए टुकड़ों से अगर पेज बनाना है तो आप सबसे ज्यादा चीज क्या सोच सकते हैं, जो सबसे बेस्ट होता है कि सपोज इस पन्ने के एक तरफ कुछ पिक्चर या इमेज बनी होती, सपोज इंसान बना होता, कोई हाथी बना होता, कोई जानवर बना होता, तो उस इमेज से भी तो आप दिमाग लगा सकते थे कहां कौन सा टुकड़ा फिट होगा। दिमाग लग रहा, जैसे यहां सर लगाया आपने, एक टुकड़ा था जिसमें आपको सर दिख गया, अगले टुकड़े में आपको पैर दिख रहा है, तो ऑब्वियसली आप ऐसे तो नहीं करेंगे ना, सर पर पैर है ना, तो वो कॉमन सेंस लगाएंगे, कहां पैर लगाने हैं, कहां सर लगाना है, उससे पूरी इमेज बन जाएगी ना। एग्जैक्टली सेम यहां पे, एग्जैक्टली सेम यहां पे क्या है, सबसे पहले रिक्वायर्ड इक्वेशन लिख लिया करो कि हमें ये बनाना है, किससे बनाना है, इन 3 इक्वेशन से बनाना है। अब कंपेयर कैसे करें, बिल्कुल वही सर पर पैर वाले तरीके से, कैसे कि कार्बन चाहिए। अब भाई कार्बन किस इक्वेशन से दिखेगा, इसमें दिखेगा, एक मोल चाहिए, एक मोल है, मतलब मल्टीप्लाई भी मत करना, और लेफ्ट में चाहिए, लेफ्ट में ही है, तो डिस्टर्ब भी मत करना, गलती से तुमने इस इक्वेशन को डबल कर दिया तो बाद में संभालते फिरो कि 2 कार्बन हो गए, वहां तो 1 ही चाहिए, तो हटाने पड़ेंगे बाद में, तो कोशिश यही करनी है ये इक्वेशन डिस्टर्ब ना, और क्योंकि कार्बन और किसी में है भी नहीं तो कहीं से संभलेगा भी नहीं, यहीं से संभलना है। अब हाइड्रोजन चाहिए, ये 3 इक्वेशन गिवन है, तो भैया हाइड्रोजन यहीं से मिल रहा है, बाकी कहीं से तो मिल ही नहीं रहा, लेकिन चाहिए 2 मोल तो है 1 मोल, तो डबल कर लेंगे, तो इस इक्वेशन को डबल कर लिया। अब मीथेन चाहिए, 1 मोल चाहिए, 1 मोल दिख रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमें चाहिए प्रोडक्ट में, दिख रहा है रिएक्टेंट में, तो इस इक्वेशन को उल्टा करके लिखेंगे। आप उल्टा करके लिख सकते हैं तो अच्छी बात है, मैंने माइनस साइन लगा लिया, बात वही है, ठीक है। जब आप उल्टा करके लिखते तो और जल्दी आपको दिखता कि ये CO2 और CO2 क्यों कैंसिल हो गए, क्योंकि ये इधर दिख रहा होता, ये वाटर और ये वाटर क्यों कैंसिल हो गए, क्योंकि ये उधर दिख रहा होता, और ये अपने आप आपको इधर दिख जाता और ऑक्सीजन कैंसिल, डन। तो इस तरीके से ये फाइनल इक्वेशन बनी है, ये सेम इक्वेशन बन रही है, तो डेल्टा एच में भी यही काम करना है। क्या काम करना है, इसका डेल्टा एच ऐसे ही रहेगा, इसके डेल्टा एच को डबल से मल्टीप्लाई करेंगे या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके डेल्टा एच का साइन बदल के सबको जोड़ दें, खाली साइन रिवर्स करके सबको जोड़। आया समझ में? अगला क्वेश्चन कर लेंगे, करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ, कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन, या चलो थोड़ा इजी लिखो, सॉरी पहले इजी कराते हैं ना, टफ नहीं। कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ब्यूटेन, अरे ब्यूटेन भी उसमें आएगा, ठीक है, है? ब्यूटेन में भी थोड़ी बैलेंसिंग टफ हो जाएगी, लेकिन अब इतना तो करो यार, कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ब्यूटेन, होने तो बैलेंसिंग टफ, ये आपको निकालना है, ठीक है बच्चों। और गिवन क्या है, गिवन है, मैं बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूं, गिवन है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन गिवन है दैट इज C4H10 CO2 एंड वाटर, इनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है। मैं आपको वैल्यू बहुत सिंपल दे रहा हूं, बुक में इतनी अच्छी वैल्यू नहीं होगी, बुक में होगी -393.5 ऐसे, हम तो बड़े सरल लोग हैं, ये मैंने दे दिया -10 -40 -50, वही किलो जूल पर मोल यूनिट, ठीक है।
बताइए बेटा। बताया जाए करो। बताइए बेटा। बोलो। चलिए मैं थोड़ी हेल्प करता हूं। कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ब्यूटेन है तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ सकता है। 400 आ भी सकता है, देखते हैं। ये बेटा ब्यूटेन की रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। ये x plus y by 4 6.5 that is 4 plus 2 6.5 is 13.2 giving you 4 CO2 plus 5 water 4 plus 2.5, ठीक है। तो ये इक्वेशन आनी चाहिए मेरे हिसाब से। लेट आई चेक वंस अगेन। 13 ऑक्सीजन है, O2 जाए 5। ये बच्चों हमारी आएगी रिक्वायर्ड इक्वेशन, हमें ये चाहिए। गिवन क्या है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, तो फॉर्मेशन ऑफ CO2 का मतलब एक मोल CO2 बनना चाहिए। इसकी हीट गिवन है -10। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर गिवन है, सॉरी ये -40 गिवन थी, सॉरी। और फॉर्मेशन ऑफ वाटर गिवन है, ये -50 गिवन है। और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेन भी गिवन है, C4H10। तो ये हो गया 4C plus 5H2 this one, और ये गिवन है आपको -10। सबकी यूनिट सेम है, किलो जूल पर मोल। अभी चेक कर। अब बच्चों इन तीन इक्वेशन का यूज करके ये इक्वेशन बनाए। अब आप चेक करो, आपको मीथेन सॉरी ब्यूटेन किस इक्वेशन में मिल रहा है? लास्ट वाली। तो लास्ट इक्वेशन जो है उसमें ब्यूटेन मिल रहा है, लेकिन आपको ब्यूटेन चाहिए कहाँ? रिएक्टेंट में है। कहाँ? प्रोडक्ट में। बेटा चाहिए लेफ्ट में, है राइट में, तो उल्टा करना पड़ेगा। तो इन इक्वेशन को मैंने नंबर दे दिया 1, 2, 3। जानबूझ के रोमन में इनको लिखता हूं जिससे कंफ्यूजन ना आए। तो थर्ड इक्वेशन को हम रिवर्ट करेंगे, यानी माइनस लगा। अब ऑक्सीजन देखना है। ऑक्सीजन यहां पे भी है, यहां पे भी। जब एक से ज्यादा में हो तो उसे डिस्टर्ब मत किया करो, वो अपने आप एडजस्ट हो जाता है, इसलिए उसे छोड़ दो। अब कार्बन चाहिए, CO2 हमें फर्स्ट इक्वेशन में मिल रहा है। प्रोडक्ट में चाहिए, प्रोडक्ट में मिल रहा है। 4 मोल चाहिए, 1 मोल मिल रहा है। तो अगर आपको समझ में आया हो तो फर्स्ट इक्वेशन को बेटा किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। और ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया थर्ड इक्वेशन। अब हमें वाटर चाहिए, वाटर हमें चाहिए प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट में है। 5 मोल चाहिए, 1 मोल है। तो ये जो सेकंड इक्वेशन है इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, इसे 4 से, इसे -1 से। तो फर्स्ट हो गया था हमारा सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने के लिए कहा है हमने 5, और इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो इसको भी हम लिख देते हैं, कोई एक नाम दे देते हैं इसे, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर 4 कह दिया मैंने, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो ये सब करने के बाद जब हम ऐड करेंगे
तो ये फोर्थ इक्वेशन बन जाएगी। डन। तो वैल्यूज प्लेस करिए, थर्ड की वैल्यू है माइनस टेन, एक माइनस उसमें और है तो प्लस टेन हो जाएगा, और फोर्थ की वैल्यू है आपकी, सॉरी फोर इंटू इक्वेशन फर्स्ट, तो फोर इंटू माइनस 40 प्लस बेटा 5 इंटू माइनस 50, ठीक है। अब इसका जो भी मैथमेटिक्स है वो देख लीजिएगा, ये शायद 250 है और ये शायद 160 है और ये शायद 10 है, तो ये आंसर सीधा सीधा 400 किलो जूल या जो भी यूनिट थी वो लिखिएगा पर मोल, तो आंसर विल बी 400 किलो जूल पर मोल। मैं बता दे, हाँ वो ये ना स्कूल का टीचर चाहता पूरा देखना, मैं इसका शॉर्टकट भी बता देता हूँ आपको, आप अप्लाई कर पाए तो कर लीजिएगा, ठीक है, लेकिन स्कूल का टीचर काट देता है कई बार, उसे ये इक्वेशन लिखी हुई चाहिए, ठीक है, इसका शॉर्टकट भी है हमारे पास, हम उससे भी करा सकते हैं आपको। एक्चुअली ना एक से ज्यादा इक्वेशन में जो भी होता है वो अपने आप ही एडजस्ट हो जाता है, और फिर ध्यान से देखो हमारे पास तीन इक्वेशन थी और तीन क्वांटिटीज की वैल्यू हमें गिवन थी, तो वो अपने आप ही एडजस्ट हो जाएगा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कभी भी करके देख लीजिएगा, जो मोर देन वन में आते हैं वो अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं। ये क्वेश्चन में गिवन है, कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ब्यूटेन, यानी मैंने आपको पढ़ाया ना अभी एक दो दिन पहले कि कंबशन ऑफ ब्यूटेन का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंबशन ऑफ ब्यूटेन, वन मोल जलाएंगे तो वन मोल रिएक्टेंट में लीजिए और जलाने के लिए ऑक्सीजन लीजिए, CO2 वाटर बनाइए, बैलेंस ऐसे करिएगा ये वन ही रहे, तो यहाँ फोर कार्बन थे फोर लिख दिए, टेन हाइड्रोजन थे फाइव किए, ये फोर ओ टू प्लस फाइव ओ टू में चेंज करे तो 2.5 हो गया, वो ऐड करके मैंने लिखा है, वो अलग चीज है कैलोरीफिक, ठीक है कंबशन में ही आती है, हाँ पर ग्राम, ठीक है। हाँ पूछो बेटा, जो भी बच्चा अभिषी पूछिए। सर एक बार ऑक्सीजन बता दीजिए, सर नंबर ऑफ ऑक्सीजन गलत आ रहा है मेरे, एक बार चेक कर लेते हैं बैलेंसिंग में या फाइनल इक्वेशन में, सर जो लास्ट में फाइनल इक्वेशन प्लस माइनस करके बनी है उसमें ऑक्सीजन कम आ रहा है जितने चाहिए, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, ऐसा ना हो हमने भी ऑक्सीजन पर ध्यान नहीं दिया, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं, मेरे पास यहाँ 13 ऑक्सीजन है, ठीक है यानी आना तो चाहिए, लेकिन फिर भी एक बार ये 4 से मल्टीप्लाई किया मैं 4, ठीक है 5 से मल्टीप्लाई किया ये 5, ये 5 by 2, ये 5, इस इक्वेशन को रिवर्स करके लिखना है तो C4H10 इधर लिखना है हमें, 4C plus 5H2 इधर लिखना है और C4H10 इधर लिखना है, ये काम हमने किया था, ठीक है। अब बेटा मैं कह रहा हूँ इन तीनों इक्वेशन को ऐड किया है, जब sir, हमने ऐड किया मिल गए, yes, sir, ठीक है। किसी को और डाउट है तो जल्दी पूछिए, नहीं चलिए बेटा इसके एक एक शॉर्टकट भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, जो दो क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं उन दोनों क्वेश्चन के शॉर्टकट हैं, लेकिन वही है ना कि स्कूल का टीचर 11th स्टैंडर्ड में थोड़ा चाहता है कि एक्सप्लेन करके आप बताएं, एक बात भी है कि एक्सप्लेन करेंगे तो कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा आपको, ठीक है, और इसके शॉर्टकट सुन लीजिए। अगर कोई इक्वेशन आपको ये गिवेन है, जरा ध्यान देना ये इक्वेशन है, ये शॉर्टकट बच्चे गलत लगाते हैं यार, थोड़ा ध्यान दे लो बेटा नहीं तो बाद में गारंटेड गलत लगाओगे, ये आपको एक इक्वेशन गिवेन है और इस इक्वेशन का आपको डेल्टा एच फाइंड करना है, ठीक है ये आपको निकालना है, और बच्चों यहाँ जो चार टर्म है इसमें सबसे ज्यादा बच्चे गलती इसी में करते हैं, ये जो चार टर्म आपको गिवन है ए बी सी डी, इनका गिवन क्या है, अगर इनका आपको फॉर्मेशन गिवन है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, अगर इनका आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है दिया हुआ है तो रिएक्शन का डेल्टा एच होता है समेशन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन एंथैल्पी ऑफ
फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, सरल भाषा में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ठीक है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट मतलब इन सबकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को जोड़ो, अगर कहीं टू है कहीं थ्री है तो मल्टीप्लाई करते हुए, समेशन का मतलब जितने भी पार्टिकल्स हैं उनसे मल्टीप्लाई करो, और ऐसे ही इनको भी जोड़ो, ये रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट है, इनकी वैल्यू में से इनकी वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर दो, डायरेक्ट आंसर आएगा। ओके, फिर से देखिए मैंने क्या कहा है, अगर आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन में जो टर्म्स है, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है, इसका डेल्टा एच निकालना था, इसमें इन चारों का ही तुम्हें फॉर्मेशन गिवन है, तो डायरेक्ट शॉर्टकट लगा सकते हो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे बच्चों अभी जो लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया है उस क्वेश्चन को एक बार पढ़ के देखो, शायद यही है कि कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ब्यूटी, और गिवन क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ही गिवन है ना, ये वाला क्वेश्चन लगना है। मैंने रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखी पहले, अब देखिए कितनी जल्दी होता है ये क्वेश्चन, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आई। ठीक है, मतलब रिक्वायर्ड इक्वेशन भी नहीं, एग्जामिनर कई बार आंसर भी दे देता है, सॉल्व करके भी दे देता है। ऑब्वियसली गिवन होगी, मतलब आप एग्जामिनर को पागल समझते हैं क्या, क्यों कुछ नहीं बताएगा, वो ये कहेगा एक ट्रेन ईस्ट में जा रही है एक ट्रेन वेस्ट में जा रही है, बताओ रशिया में बारिश क्यों हुई, गांधी जी कितने साल पहले मरे, थोड़ी यार कोई तरीका थोड़ी की, ये नहीं दिया होगा वो नहीं दिया, अब कुछ दिया होगा तभी पूछेगा, और अगर कुछ दे रखा है और वो हिडन है तो समझ लेना तुमने कम पढ़ाई की। अब ये कौन सा तरीका हुआ, अच्छा अगर ये नहीं दिया होगा तो कुछ और दिया हो, अबे उसे क्वेश्चन सॉल्व कराना है तो कुछ तो बताना पड़ेगा मेरे भाई, ये क्या तरीका हुआ, अगर ये हुआ अगर वो हुआ, ये तो गलत बात है, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अब बच्चों जरा ध्यान से देखना, इसका फॉर्मेशन गिवन है आपको, वो माइनस दस बीस जो भी है, इसका फॉर्मेशन गिवन है आपको, इसका भी फॉर्मेशन गिवन है नहीं है। अब ये देखो ये क्वेश्चन कितनी जल्दी हम सॉल्व कर देंगे, एक आध बच्चा जरूर बोलेगा अरे ऑक्सीजन का फॉर्मेशन तो गिवन नहीं है, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन जीरो है इसलिए गिवन नहीं है, जीरो क्यों है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नेटिव स्टेट में जीरो होता है, ये एलिमेंटल फॉर्म है इसका जीरो होगा। अब हम डायरेक्ट क्या फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ये रहे दो प्रोडक्ट, इसकी वैल्यू शायद 40 थी और इसकी वैल्यू शायद 50 थी, यही थी, तो इसको मल्टीप्लाई करो 4 से, इसे मल्टीप्लाई करो 5 से, तो 40 इंटू 4 और 50 इंटू 5 ये कर लीजिए, डन, इन सबको जोड़ना है जोड़ लीजिए, ये हो गया एंथैल्पी किसकी, प्रोडक्ट की, माइनस रिएक्टेंट ये दो है, ये तो गायब ही होगा जीरो है, तो खाली ये बचे माइनस 10, ये माइनस 10 कर दीजिए, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, ये माइनस 410 है ये प्लस 10 है, माइनस 400 आंसर आ गया। बोलो पहले से जल्दी आया नहीं आया, इज इट क्लियर, बस लेकिन ध्यान ये रखना कि आपको फॉर्मूला क्या लगाना है। ठीक है, तो जरा एक बार सुन लो, क्योंकि मुझे मालूम है कई बच्चे शॉर्टकट गलत लगाते हैं फिर कहते हैं सर आपके चक्कर में आंसर गलत हो गया, भाई तुम सुनोगे नहीं तो मैं उसमें क्या कर लूंगा, भैया जरा फिर से सुन लो, यहाँ पे मैंने ये नहीं कहा कि ये इक्वेशन काहे की है, कंबशन की है फॉर्मेशन की, मुझे कोई मतलब नहीं ये इक्वेशन काहे की, मुझे सिर्फ मतलब किससे है, गिवन क्या है, क्या चीज गिवन है, बड़ा बड़ा लिख रहा हूं क्योंकि तुम गलती करोगे, अगर गिवन तुम्हें हर चीज का फॉर्मेशन है तो चाहे वो इक्वेशन कंबशन की हो या किसी की मुझे मतलब नहीं, अगर हर चीज का फॉर्मेशन गिवन है तो शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है, समेशन फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, शॉर्ट भाषा में सिंपल भाषा में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। बोलो बेटा क्लियर है, ठीक है, कोई डाउट, वेरी गुड, ये जरा ध्यान रखिएगा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कब लगाना है। अच्छा मैं क्यों इसका चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ, ये ध्यान रखिए ध्यान रखिएगा, वो अभी समझ आता हूँ। हाँ बिल्कुल सही बेटा, अगर अब ध्यान से सुनना आप क्या कह रहा हूं, अगर इसका कंबशन गिवन है, इसका भी कंबशन गिवन है,
इसका भी कंबशन गिवन है, मतलब जिस इक्वेशन में हमें फाइंड आउट करना है उसमें हर टर्म का हमें कंबशन गिवन, हर टर्म का क्या गिवन है, तो जरा ये ध्यान रखना गिवन की बात कर रहा हूँ, गिवन इससे मतलब नहीं इक्वेशन किसकी है, लेकिन हर टर्म का हमें क्या गिवन है, कंबशन। तो जब कंबशन गिवन होता है तो ये फॉर्मूला उल्टा होता है, जब कंबशन गिवन होता है तो ये फॉर्मूला उल्टा होता है, क्या हो जाता है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। अभी क्या था, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट था, अब क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो भैया इस बात को जरा ध्यान रखना कि गिवन होता क्या ना, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ दिस, तो बच्चा बस पहला वर्ड पकड़ के बैठ जाता है, अरे कंबशन आ गया। अबे इससे मतलब नहीं है कि ये इक्वेशन काहे की है, इससे मतलब है कि इसके अंदर हर चीज का मुझे क्या पता है। अगर मुझे फॉर्मेशन पता है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, और अगर कंबशन पता है तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। ठीक है, तो नोट करके ध्यान से लिख लीजिएगा, इफ वी नो एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, अगर हमें एंथैल्पी ऑफ कंबशन पता है ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, देन डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन विल बी बोलो ना क्या आएगा, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। ठीक है, और वैसे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, बोलो बच्चों क्लियर है, इतने हो करिए, कल बॉन्ड एंथैल्पी करेंगे, फिर चैप्टर के सेकंड पार्ट पे आएंगे, दैट इज व्हाट इज एंट्रोपी, व्हाट इज हेजेस लॉ, इस पे आएंगे। ठीक है बच्चों, ठीक, चलिए, थैंक यू सर, ओके बच्चों, बाय बाय, नमस्ते।